अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फैमिली ऑफ द सिस्टमैटिक बॉटनी। एज इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैमिली, इसमें से दोनों तरह से आपको मतलब जो है वो तैयारी करनी है। एक तो ये आपका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और दूसरा इसमें से कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं कि जो आ जाती होती हैं पेपर में फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन, या उसमें डिफाइन की टर्म के साथ कोई एक आदाब से जो है वो पूछा जा सकता है। ओके, वी विल स्टार्ट द फैमिली कंपोजिटी, और एस्ट्रेसी भी यही फैमिली कहलाती है। इसमें अगर हम देखें तो दिस फैमिली कंटेन अबाउट 950 जेनरा एंड 20,000 स्पीशीज, और ये लार्जेस्ट फैमिली है एंजियोस्पर्म में। डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम इसकी देखें तो ये कॉस्मोपोलिटन है, हर जगह नजर आती है, और इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नजर आती है इकोलॉजिकल कंडीशन में फ्रॉम द सी कोस्ट टू द एटीट्यूड्स। अच्छा, उसके बाद इसके वेजिटेटिव करेक्टर्स अगर हम देखें तो अब हमने इसमें जो टाइप स्टडी करनी होती है दैट इज सनफ्लावर, दैट इज हेलियंथस एनस। तो हेलियंथस एनस को माइंड में रखते हुए आपने ये सारे करेक्टर्स जो है उनको देखना है। हैबिट अगर देखें तो हर्ब्स, श्रब्स, और बहुत रेयरली इस फैमिली के अंदर हमें ट्रीज और क्लाइंबर्स नजर आते हैं, मतलब मोस्टली ये जो है वो श्रब्स या हर्ब्स की फॉर्म में होती है। एंड देन मेनी प्लांट्स पजेस मिल्की जूस, while in the other the juice is watery, resinous and bitter, के जब हम उसको तोड़ते हैं उसकी ब्रांच को या उस प्लांट के जो स्टेम है उसको, तो उसमें से कोई ना कोई फ्लूइड बाहर आता है। समटाइम वो मिल्की हो सकता है, अदरवाइज जो है वो वॉटरी है, और टेस्ट उसका जो है वो बिटर होगा। अच्छा, उसके बाद रूट जो है वो टैप रूट है, ब्रांच होती है, और कुछ केसेस के अंदर ट्यूबरसली थिकेंड एज इन द हेलियंथस ट्यूबरोसिस। अब ट्यूबरसली थिकेंड मीन आलू जैसे है वो ट्यूबर है, तो इसी तरह से इसके अंदर जो रूट है उसमें आपको जो है वो उस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है। स्टेम अगर देखें तो सॉफ्ट है, वुडी हो सकती है सम टाइम, और यूजली हेरी एंड इरेक्ट। अब ये सारे कैरेक्टर्स हमें नजर आते हैं सनफ्लावर के अंदर। लीव्स अगर देखें तो लीव जो है इसके अंदर वो, अगर हम इसकी डायग्राम को लेके आए सामने, हाँ जी, ये इसमें देखिए इसमें आपको इसके लीव्स नजर आ रहे हैं, और लीव्स जो हैं वो क्या हैं, ऑल्टरनेट है, यानी एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, ऑल्टरनेट फॉर्म के अंदर हैं, समटाइम्स ऑपोजिट होते हैं, एंड रेयरली वर्ल्ड वर्ल या चक्कर की फॉर्म में नहीं होते या घेरा नहीं बनाते। सिंपल और कंपाउंड लीफ है, एक्स स्टिप्यूलेटर स्टिप्यूल प्रेजेंट नहीं है, पेटीलेट डंडी है इसकी। समटाइम्स दीज आर द नीडल लाइक और रिड्यूस्ड टू स्केल, लेकिन कुछ केसेस के अंदर ही ऐसा नजर आता है, अदरवाइज जो टाइप हम स्टडी कर रहे हैं उसमें हमें सिंपल लीफ नजर आता है। अच्छा, फिर इसके फ्लोरल करेक्टर्स अगर हम देखें तो इसमें जो मेन चीज देखने वाली है वो ये है कि इसके अंदर एक हेड होता है इसका, या हम कहते हैं कि इसमें जो हेड है जिसके ऊपर वो पत्तियां येलो वाली अरेंज हुई भी होती है, दैट इज कॉल्ड कैपिचुलम। अब ये अक्सर टर्म एग्जाम में आती है डिफाइन कैपिचुलम, तो कैपिचुलम वो हेड है इस फैमिली में जिसके ऊपर सारी इसकी जो फ्लोरेट्स हैं वो अरेंज हुई भी होती हैं। अच्छा, फ्लावर को अगर हम देखें तो फ्लावर ऑफ अ कैपिचुलम, अब इसके अंदर जो आपको पत्तियां नजर आ रही होती हैं येलो कलर की, जो इसका आउटर वर्ल्ड बनाती हैं, और जो सेंटर वाली होती हैं वो जीरे की टाइप की आपको नजर आती हैं, उसमें जो है वो उन फ्लोरेट्स कहलाती हैं। एंड फ्लोरेट्स में भी हर्माफ्रोडाइट और यूनिसेक्सुअल और न्यूट्रल। अब इसमें या तो हर्माफ्रोडाइट कंडीशन नजर आती है या फिर यूनिसेक्सुअल कंडीशन नजर आती है, पेंटामीरस की फॉर्म में होती है, पांच पांच का जो है वो अरेंजमेंट हुई भी होती है, एक्टिनोमॉर्फिक है, किसी भी एंगल से आप उसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और राइबोमॉर्फिक या एक स्पेसिफिक हील प्लेन होता है जहां से वो कर सकते हैं, एपिगाइनस कंडीशन नजर आती है। अच्छा, उसके बाद हम इसमें काइंड ऑफ फ्लोरेट्स को अगर देखें जो उसमें मिलती है, तो डिस्क फ्लोरेट ट्यूबुलर फॉर्म की होती है, एंड ब्रेव फ्लोरेट्स होती है जो कि लिग्यूलेट फ्लोरेट्स होती है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास जो इसमें रे फ्लोरेट है वो ये वो वाली पत्ती है जो येलो कलर की आपको नजर आ रही होती है। द फ्लोरेट्स आर अरेंज्ड, उसकी अरेंजमेंट जो है वो हमें डिफरेंट नजर आ सकती है, लेकिन हमने सिर्फ अपनी टाइप के ऊपर फोकस करना होता है कि हम जो टाइप स्टडी कर रहे हैं उसमें किस किस्म की है। अच्छा, अब उसमें आपने जो टर्म्स देखनी है वो है, एक तो पहले हमने देखना है डिस्क फ्लोरेट को। डिस्क फ्लोरेट जो होती है सिजाइल होती है, रेगुलर एक्टिनोमॉर्फिक कंप्लीट हर्माफ्रोडाइट बैक्टीरिएट एंड एपिगाइनस, नथिंग न्यू टर्म इन दिस। कैलक्स जो है वो रूडिमेंट्री होती है या बहुत रिड्यूस हो जाती है या एब्सेंट हो जाती है, समटाइम्स मॉडिफाइड हो जाती है एक लार्ज नंबर ऑफ ब्रिस्टल्स या हेयर लाइक स्ट्रक्चर में, दैट इज कॉल्ड पेपस।
पेपस जो है ना, जैसे नीचे सीड है उसके ऊपर बहुत सारे हेयर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड पेपस। द पेपस इज प्रेजिस्टेंट एंड एक्ट लाइक अ पैराशूट एंड हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट। उसके बाद कोरोला आ जाता है, वो फाइव है, गैमोपेटलस है, ट्यूबुलर है, फाइव लोड और एक्टिनोमॉर्फिक है। इसमें भी कोई नई टर्म नहीं आई। एंड्रोशिया में अगर देखें तो फाइव हैं, एपिपेटलस हैं, अल्टरनेट करते हैं विद द करोला लोब, उसके साथ ही अल्टरनेट करते रहते हैं। गाइनीशियम अगर हम देखें तो बायकार्पलरी होती है, यानी दो इसके अंदर प्रेजेंट हैं, कार्पल्स सेम कार्पल्स फ्यूज हैं, ओवरी जो है वो इंफीरियर है, प्लेसेंटेशन जो है वो बेसल है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी रे फ्लोरेट पे। रे फ्लोरेट जो है ये आपके पास इसके अंदर उसका जो येलो पार्ट हमें नजर आता है ये वो है। ये भी सिसाइल है, जाइगोमॉर्फिक है, इरेगुलर है और लिग्यूलेट है। कैलेक्स अगर हम देखें तो ये रिप्रेजेंट होता है बाय द पेपस और एब्सेंट हो जाता है। कोरोला को अगर हम देखें तो फाइव गैमोपेटलस है, बाइलेबिएट है और लिग्यूलेट है। बाइलेबिएट मीन टू, जैसे आप समझ लें कि एक दो लब जो बन जाते हैं ना, वैसी इसकी फॉर्म आ जाती है। अच्छा जी, उसके बाद एंड्रोशियम अगर देखें तो वो एब्सेंट है। गाइनीशियम जो है वो डिस्क फ्लोरेट की तरह का ही होता है। फ्रूट जो है उसमें सिप्सेला है। अब सिप्सेला जो है दैट इज द टर्म विच वी हैव यूज्ड फॉर अ फ्रूट, जिसमें अब यहाँ पर जो टर्म इसके लिए यूज हुई है वो ये एकेनियल सिंगल सीडेड फ्रूट। वो आपकी इसी बुक पे पेज नंबर 74 पे पूरा चैप्टर जो है उसमें भी इनकी डायग्राम्स बनी हुई है। अदरवाइज मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है तो उसमें आपको सीड नजर आ रहा है, उसके बाद इसकी पेरिकार्प नजर आ रही है कि वो इस फॉर्म के अंदर होता है। उसके बाद हमें फ्लोरल फॉर्मूला लिखना है। रे फ्लोरेट का अलग आएगा और डिस्क फ्लोरेट के लिए अलग फ्लोरल फॉर्मूला आएगा। और उसके बाद आपने इसको ड्रॉ भी इसी फॉर्म में करना है जिस फॉर्म में आपको बताया गया है, ठीक है। देन उसके बाद ये आपने जो है वो अलग अलग फॉर्मूलाज लिखेंगे और अलग अलग इनको ड्रॉ करेंगे तो ये आपके पास एक बनेगा। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अगर इसकी देखें तो हेलियंथस में जो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट जेनवा आते हैं उसमें एक तो हेलियंथस एनस है, सनफ्लावर है जो गार्डन प्लांट है, और इसके जो फ्रूट है उससे ऑयल भी मिलता है, और इसके अलावा डोडस है, सोंकस एस्पर, ये वाइल्ड टाइप है इसकी। देन उसके बाद लैक्टुका सेटिवा, लेटस सलाद के जो पत्ते हैं वो भी इसी फैमिली से आते हैं। उसके बाद क्राइसेंथियम इंडिकस गुले दाऊदी, ये भी इसी में आता है। और उसके बाद आपके पास जो है वो बाकी जितनी भी एग्जांपल्स देनी है उसमें से जो है वो एक तो है कैलियंडुला ऑफिसिनरीज गार्डन मैरीगोल्ड, गेंदे का फूल जो है ये कॉमन है आपके, जिसको आप याद कर सकते हैं आसानी के लिए से, और कॉस्मोस कल्टिवेटेड एज गार्डन प्लांट ये है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखें तो इकोनॉमिकली हमें जो इसमें चीज़ें नज़र आती हैं उसमें एक तो ये सोर्स ऑफ फूड है क्योंकि रूट्स एंड लीव्स ऑफ मैनी प्लांट्स ऑफ दिस फैमिली जो है वो यूज होते हैं एज अ फूड। एंड उसके बाद सोर्स ऑफ डाई भी है, फ्लावर जो होता है कुसुम का वो भी डाई येलो डाई जो है वो देता है। उसके बाद सोर्स ऑफ मेडिसिन में आ जाएगा ये, एंड देन उसके बाद सोर्स ऑफ ऑयल है, सनफ्लावर का ऑयल भी होता है जिसको यूज किया जाता है एडिबल पर्पसेस के लिए, एंड सोर्स ऑफ पॉइजन भी है एज वेल, ऑर्नामेंटल भी इससे बहुत सारे जो है वो यूज इसका किया जाता है। अब इसमें मेन ये है कि आपको फ्लावर की डिस्क्रिप्शन आनी चाहिए कि रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट में क्या डिफरेंस है, देन उसके बाद कैपिचुलम को किस तरह से डिफाइन करना है, और उसके बाद जो है वो फ्लोरल फॉर्मूला ये आना चाहिए मेन, जो आप अगर फोकस करें इसके ऊपर कि हमें द पेपर रेफरेंस। दैट्स इट।